माल स्टॉक ऑल टाइम हाई पे गया, प्रॉफिट ऑल टाइम पे गया, स्टॉक री रेट हुआ है, नंबर ऑफ हाई नंबर सेटिस्फैक्शन लेवल पर एक नई उन्होंने सीमा को छुआ है। और अगर यूनो की मैं बात करूं तो एकदम कमाल हो गया है। मगर क्या ये कमाल और धमाल आने वाले सालों में चलेगा? त्योहार का समय आने वाला, जिसे हम अंग्रेजी में फेस्टिवल सीजन बोलते हैं, क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कोई भेंट दे सकता है? सस्ता होम लोन, सस्ता कार लोन, इन सब बातों को आगे बढ़ाते हैं दिनेश खारा साहब के साथ। खारा साहब, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो पहले बात करते हैं मिलियंस एंड करोड़ ऑफ बोरोवर्स, क्या SBI इस बार कोई दिवाली पर, दशहरा पर कोई तोहफा दे सकता है? हमने अभी होम लोन का इंटरेस्ट रेट कम कर दिया है 8.50, और साथ ही साथ हम सब बोलते हैं कि ज्यादा कम कर दिया, और साथ ही साथ हमने कोई प्रोसेसिंग फी नहीं ले रहे, तो इसलिए जो है कार लोन होम लोन किसी में भी कोई प्रोसेसिंग फी नहीं है। तो इसलिए हमने ऑलरेडी फेस्टिवल के माहौल को देखते हुए अपने ग्राहकों के लिए ये कुछ उपलब्धियां उपलब्ध दी हैं। इस बार फेस्टिवल सीजन आपको कैसा लग रहा है? पिछले साल से अच्छा रहेगा, ढीला रहेगा? मेरी आशा पिछले साल से फेस्टिवल सीजन अच्छा ही होना चाहिए, क्योंकि पिछले साल फिर भी थोड़ा बहुत कोविड का इम्पैक्ट था, इस साल तो वो कोविड का इम्पैक्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो इस कारण से फेस्टिवल सीजन में बहुत उमंग होनी चाहिए, और उस उमंग के साथ साथ इकोनॉमिक एक्टिविटी लेवल भी काफी अच्छा होना चाहिए, ये मेरा मानना है। SBI ग्रो कर रहा है और ऐसी बेस पर ग्रो कर रहा है जो कि एक बहुत ही कमेंडेबल सी बात है, मगर क्या 3-4 साल तक आपको लगता है हायर बेस पर SBI डबल डिजिट पे ग्रो कर सकता है? हम लोगों ने जब हम ग्रो कर रहे हैं तो साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखा है कि जो बैंक के स्ट्रक्चर्स हैं वो सब स्लैक बनाए जाएं कि वो आने वाली ग्रोथ को सपोर्ट कर सके। इस कारण से मेरे को पूरी आशा है कि हम आने वाले दिनों में भी इस तरह से सपोर्ट कर पाएंगे, और हमारे प्रोडक्ट इंटरेस्ट रेट्स, उनके प्रोडक्ट्स के इंटरेस्ट रेट, और उनमें जो कस्टमर के लिए कन्वीनियंस है उसके ऊपर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है, जिससे कि जो है हमारे ग्राहकों को अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट इजीली मिल पाए, और इन द मोस्ट कन्वीनियंट वे अपने जिस भी चैनल से वो अवेल करना चाहते हैं उस प्रोडक्ट को, उसको अवेल कर सकें, ये हमारी एक कोशिश है। करा साहब, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, मगर जब मैं दोबारा इस सवाल पूछ रहा था मेरे जहन में एक आया भी HDFC और HDFC बैंक का वैल्यू हो गया, वो भी बड़े हो चुके हैं, एक इतना बड़ा जो बैंक बना है उसका सेक्टर पे क्या प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, इकोनॉमी भी हमारी ग्रो कर रही है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो उसके लिए उसमें अब बैंकों के ग्रो करने की काफी अपॉर्चुनिटी है। तो इसको देखते हुए मैं ये कहूंगा कि हाँ, बड़ा बैंक आने से एक सपोर्ट मिलेगी इकोनॉमिक एक्टिविटी को और आगे बढ़ाने के लिए। बैंकिंग एक क्षेत्र है जिसके अंदर हम कभी वॉर नहीं देखते हैं, हमने टेलीकॉम में वॉर देखी, हमने FMCG सेक्टर में वॉर देखी, हम कार में वॉर देखते हैं, मगर बैंकिंग में हमने कभी देखा नहीं कि भाई मार्केट शेयर गेन को लेकर के कोई इरिस्पॉन्सिबल लेंडिंग होती है, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है कि बैंकिंग एक ऐसा क्षेत्र है जो कि कोलैबोरेशन पर चलता है, और इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए भी कोलैबोरेशन चाहिए, और एक अच्छा अंडरराइटिंग करने के लिए भी कोलैबोरेशन चाहिए। हम लोग पूरे इकोसिस्टम में जो भी कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है उसको यूज करते हैं फॉर डिसाइडिंग फॉर द लेंडिंग डिसीजंस। और उसी तरह से भारतवर्ष में अभी भी कंसोर्शियम का एक प्रचलन है, बड़ा लोन अगर होगा तो वो कंसोर्शियम में होगा या मल्टीपल बैंकिंग अरेंजमेंट में होगा। तो उस कंसोर्शियम और मल्टीपल बैंकिंग अरेंजमेंट का एक फाउंडेशन जो है वो कोलैबोरेशन पर ही रहता है। हम लोग कंपीट करते हैं, बैंक्स कंपीट करते हैं, बट हम लोग कंपीट भी करते हैं और कोलैबोरेट भी करते हैं, ये हमारा प्रिंसिपल रहता है। खास प्रश्न होम लोन के ऊपर, क्योंकि HDFC लिमिट और HDFC बैंक का पीक हो गया है, अब HDFC बैंक लोन देगा, उनकी लायबिलिटी कॉस्ट अलग है, उनका नेटवर्क अलग है, क्या आपको लगता है कि HFC या होम लोन के अंदर वॉर हो सकता है? बिकॉज मैं वॉर वर्ड यूज नहीं करना चाहता हूं, मगर SBI ने 3-4 साल पहले इस क्षेत्र के अंदर एक नयापन इंट्रोड्यूस करा था, काफी अट्रैक्टिव रेट्स इंट्रोड्यूस करी थी, क्या वॉर हो सकता है HDFC बैंक के विलय के बाद?
देखिए ऐसा कि हमने ये तो हमें ज्ञात था कि एचडीएफसी बैंक का विलय होगा, तो हमने पिछले साल में 150 से अधिक सीपीसीज हमने क्रिएट की थी। अच्छा। प्रिपेयर्ड थे हम लोगों ने उसके लिए प्रिपरेशन पहले से ही शुरू कर दी थी और 150 सीपीसीज हमारी जो है पूरे भारतवर्ष में हमने और ऐड कर दी थी। जैसे बोला युद्ध की तैयारी नहीं, युद्ध की तैयारी नहीं, लेकिन हाँ अपने कस्टमर्स को सर्विस देने के लिए हम लोग पूर्ण रूप से सक्षम रहे, ये हमारी एक कोशिश थी, तो इसलिए हमने वो काम शुरू से पहले से ही आरंभ कर दिया था। और मेरे को लगता है कि हम जो कंपटीशन है उसको फेस करने में काफ़ी सक्षम हैं। और अभी भी हम देख रहे हैं कि हमारा जो अंडररेटिंग है होम लोन का, वो तकरीबन 14% से ऊपर का अभी भी जो सोर्सिंग है उसमें इंक्रीज हुआ है। तो दो तीन सवाल खड़ा साहब, अगर मैं SBI की जर्नी देखूं तो पिछले 3 साल के अंदर कई बड़े परिवर्तन आए हैं, आपकी टीम ने एक काफी ऐसी चेंजेस करे हैं जो कि डिफिकल्ट है। ROA इम्प्रूव करा गया है, आपका रिटर्न ऑन इक्विटी 20 के ऊपर हो चुका है, अगर मैं देखूं कॉस्ट टू इनकम रेशियो हर क्वार्टर में नीचे आ रहा है, तो SBI के लिए अगला बड़ा ट्रिगर क्या रहेगा? अगला बड़ा ट्रिगर यही है कि हमें अपना जो NIM है वो हम इस लेवल पर मेंटेन करें, जो कि एक अच्छा लेवल है, 3.45 से ऊपर अगर हम NIM मेंटेन कर पाएंगे तो हमारा जो एबिलिटी टू प्लॉबैक प्रॉफिट है वो इम्प्रूव हो जाता है। पिछले साल हमने 50,000 करोड़ के प्रॉफिट में से 40,000 करोड़ हमने प्लॉबैक किया था, और उससे पिछले साल में 32,000 करोड़ का प्रॉफिट था, उसमें 25,000 करोड़ हमने प्लॉबैक किया। तो हम इस तरह से प्लॉबैक कर जो है हम SBI की बैलेंस शीट में जो ग्रोथ लीवर होना चाहिए वो हम क्रिएट कर रहे हैं। इस साल अगर हमारा प्रॉफिट और अच्छा होगा तो हम और भी ज्यादा प्लॉबैक करेंगे, जो कि हमारे को एक नेचुरल एबिलिटी टू ग्रो दे देता है बैलेंस शीट में, तो उससे जो है ROE और ROA दोनों ही अच्छे होने वाले हैं। तो जहां पर SBI भी है मैथमेटिकली ROA हो या ROE हो, आपको लगता है कि इनके अंदर स्कोप टू इम्प्रूवमेंट अभी भी काफी है? देखिए वो तो हमेशा कोशिश करनी ही चाहिए कि जो भी उसमें प्रोडक्टिविटी गेन लाकर इम्प्रूव करिए, हमारी कोशिश यही है कि हम इसमें प्रोडक्टिविटी गेन लाकर जो है इन क्रिटिकल पैरामीटर्स में इम्प्रूवमेंट करें। खरा साहब आखिरी सवाल, अगर मैं पिछले 3 सालों की हेडलाइन देखूं, हेडलाइन नंबर 1 SBI रिकॉर्ड प्रॉफिट, हेडलाइन नंबर 2 दिनेश खरा हैज टर्न्ड द बिग शिप अराउंड, हु सेज एलिफेंट कैन नॉट डांस, काफी अच्छी हेडलाइंस है, एक प्रोत्साहन भी मिलता है, एक इनकरेजमेंट भी मिलता है, तो अभी कौन सी हेडलाइन है जो आप सुनना चाहेंगे अगली बार जब मीटिंग और स्वदेश आ रहे हैं तो आप हमसे सुनना चाहेंगे? हम ये सुनना चाहेंगे कि स्टेट बैंक की अब ग्रोथ ट्रैजेक्टरी जो है अनअसेलेबल है। आपको लगता है आप ही बता दें बैंक का वेट क्यों कर रहे हैं? हमारी कोशिश आपने समय दिया, मुझे पता है आपके लिए बहुत एक बिजी मॉर्निंग है, आपने इतना सजेस्ट करके समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। शुक्रिया, थैंक यू।